हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे, जो फिनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं या बिजनेस फाइनेंस। जो सेमेस्टर वन वाले हैं उनके लिए बिजनेस फाइनेंस में ये है, और जो सेमेस्टर टू है उनके लिए फिनेंशियल मैनेजमेंट में। तो दोनों के लिए रिलेवेंट है, क्वेश्चन भी लगभग अप्रॉक्स सेम रहता है। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी चल रहा है इसका प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में शायद मैंने करवाया था, कितना नंबर था? इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। 5 वगैरह पहले से ऑलरेडी हो चुका था। अब देखेंगे, यहाँ पे आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आएंगे। जिनके पास क्वेश्चन होगा तो मैं स्क्रीनशॉट सेंड करवा दे रहा हूँ, तो देखेंगे ये 7 नंबर जो है इलस्ट्रेशन नंबर है, 7 है शायद, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, शायद आप लोग के पास क्वेश्चन चला गया होगा। ठीक है, ओके। धुंधला नहीं आ रहा है, देखिएगा तो पीछे पहले कल वाला काला काला गया। ठीक है ना, क्वालिटी धुंधला नहीं आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टडीज कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड एट कहता 5 लाख। पहले कहता प्रिपेयर ए वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको वर्किंग कैपिटल बनानी है, जिसमें दिया हो इशूड शेयर कैपिटल है 2 लाख है, 10% डिवेंचर से 75,000 है। द फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड एट कहता 5 लाख। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 50,000 यूनिट्स। द सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी इज इंटेंडेड टू बी मेंटेन ड्यूरिंग द करेंट ईयर्स। द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलिंग आर दिया रॉ मटेरियल 50%, वेजेस दिया है 10%, ओवरहेड 25% है। ठीक है, द रॉ मटेरियल नॉर्मली रिमेन इन ए स्टोर फॉर 2 मंथ बिफोर प्रोडक्शन। यानी कि रॉ मटेरियल 2 मंथ रहा है, यानी कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद कहता है एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ। प्रोसेस कहता है 1 मंथ का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस WIP। ठीक है, फिनिश गुड्स रिमेन इन कहता है वेयरहाउस फॉर 4 मंथ, यानी कि फिनिश गुड्स के बारे में बात कर रखा है। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, यहाँ तक क्रेडिटर लिख ही दिया गया, इज 3 मंथ एंड क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज 3 मंथ। ये हो गया डेटर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर सोचना नहीं कि कौन सा क्रेडिटर है कौन सा डेटर है। सेलिंग प्राइस इज 6 पर यूनिट, बोथ प्रोडक्शन एंड सेल्स आर इन कहता है रेगुलरली साइकिल, एड 10% फॉर कंटीजेंसी। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पर दिया हुआ था रॉ मटेरियल पर यूनिट था, लेबर पर यूनिट था, ओवरहेड पर यूनिट था, बट इस क्वेश्चन में क्या है आपको परसेंटेज दे दिया है, रॉ मटेरियल का इतना परसेंटेज, लेबर का इतना परसेंटेज, ओवरहेड का कुछ परसेंटेज दिया है। परसेंटेज दिया है तो पर यूनिट निकलेगा कैसे? तो देखिए, आपको क्वेश्चन में दे दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है 6, इसका मतलब 6 का उतना परसेंटेज निकालेंगे। बात समझ गए ना? तो ये निकल जाएगा मटेरियल पर यूनिट, लेबर, ओवरहेड पर यूनिट निकल जाएगा। यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी। दूसरी बात, यहाँ प्रोडक्शन हम लोग को चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट चाहिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 50,000, उस बात जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरफ बन जाएगा। ठीक है, तब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 7 नंबर है, ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार के इश्यू नहीं है यहाँ तक में।
ठीक है। यहां तक में किसी प्रकार का इश्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, अमाउंट है उसका पार्टिकुलर है, ये हो गया। तो आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखते हैं क्या सबसे पहले। करेंट एसेट्स, ठीक है। करेंट एसेट्स में आपको होगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आइटम है ही नहीं करके क्या। तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, स्टॉक ऑफ आरएम बोले तो रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, करेंट एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा, स्टॉक ऑफ WIP होगा, स्टॉक ऑफ FG होगा, उसके बाद डेटर होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा टोटल 1 होंगे आपको। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट में यहां पर निकालते हैं, ठीक ना। वर्किंग नोट में निकाल रहा हूं मैं कॉस्ट, ठीक ना, किसका, रॉ मटेरियल का, उसके बाद लेबर का और OH बोले तो ओवरहेड का। तो देखिए लेबर कितना था, 50% कितना था, नहीं नहीं लेबर का था, रॉ मटेरियल का 50 था ना। देखिए रॉ मटेरियल 50 है, 10 है उसके बाद 25 है, उसके बाद 10% इंटू 6, ये 25% इंटू 6 इज इक्वल टू, ये तो जाएगा 3 होगा, ये जाएगा 0.6 होगा, ये हो जाएगा 1.5 होगा। ये टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5.1 हो गया टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको पता नहीं है, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस गिवन है कितना 6, जिसका मतलब 0.9 कितना होगा, प्रॉफिट हो गया। देखिए दूध का दूध पानी का पानी कर दिए, ठीक है। इसी तरह पहले इस क्वेश्चन में दिया होता था क्या, अब ये फाइंड आउट हो गया। अब क्या है, स्टॉक को पहले नंबर तो हम लोग को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखें नीचे लिखा हुआ है सबसे लास्ट प्रागा पर, ये कहता है सेलिंग प्राइस 6 पर यूनिट, बोथ प्रोडक्शन एंड सेल्स आर इन कहता है रेगुलर साइकिल, ऐड 10% फॉर कॉन्टीजेंसी, कोई दिक्कत।
तो अब देखेंगे स्टॉक के लिए क्या करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कितना था आपको, नंबर ऑफ यूनिट 50,000 यूनिट था, तो क्या करेंगे 50,000 गुने 3। स्टॉक कितना था देखिए एवरेज, द रॉ मटेरियल नॉर्मली रिमेन इन स्टोर फॉर 2 मंथ था, तो 2/12 होगा क्योंकि मंथली है ये। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15 1.5 लाख, इससे डिवाइड करेंगे तो 6 1.5 लाख में 6 से डिवाइड करेंगे 25 6 का 1.5 लाख 25,000 हो गया। आप देखिए WIP में हम क्या बताए थे, जो नॉर्मल है वो लीजिए और नहीं तो देखिए क्या बताए थे, 100% ऑफ रॉ मटेरियल, 50% ऑफ वेजेज और 50% ऑफ ओवरहेड। तो ये हम 50 वाला मान के बनाते हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखें एग्जाम में आप 100% ही मान के बनाइएगा। हाँ, क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो आप उस तरह से बनाएंगे, ठीक ना। चूंकि आप 100 मानिए या 50 क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप किसी तरह बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक 50 करके हम बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट पर यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ लेंगे रॉ मटेरियल 100% लेंगे, इज इक्वल टू कितना होगा 3 है, लेबर 50% ऑफ कितना था लेबर, ये था 0.6 था, तो कितना जाएगा 0.30 होगा। ओवरहेड 50% ऑफ कितना था 1.5, तो ये हो जाएगा 0.75। इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4.05 ये ना होगा क्या। तो देखें रॉ मटेरियल स्टॉक क्या लेंगे, 50,000 इंटू 4.05 इंटू रॉ मटेरियल का देखिए स्टॉक कितना था प्रोसेस में, प्रोडक्शन एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ है, ठीक ना। 1/12 मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 1/12, कितना हुआ 16,875, ये हो गया स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 50,000, टोटल कॉस्ट है इसमें भी होता है इनटू टोटल कॉस्ट कितना है 5.1 है, ये कितना था फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स रिमेन इनका था वेयरहाउस फॉर 4 मंथ 4/12 मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 2,55,000, 2,55,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा, 2,55,000 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 85,000 ना, 85,000 हो गया। डेटर 50,000 इंटू कॉस्ट कितना है 5.1 इंटू डेटर जी कितना का था, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर 3 मंथ एंड क्रेडिट अलाउड टू का था, डेटर इज 3 मंथ, तो 3/12 तो 4, 2/55 में 4 से डिवाइड कीजिए 2,55,000 डिवाइडेड बाई 4th 63,750, ठीक। इसको ऐड करेंगे कितना होगा 1,90,625, 1,90,625 ये हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट लेस भी कर सकते थे एक ही आइटम इसलिए, लेकिन रहने दिए अब लिख ही दिए तो
दूसरा में होगा करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में आपको है क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर में क्या बताए थे रॉ मटेरियल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि जो हम उधार परचेज करेंगे क्रेडिट पे वही क्रेडिटर कहलाता है, तो रॉ मटेरियल का कितना 3 है, 3 इंटू कितना था एवरेज 4 मंथ है ना, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर 3 मंथ है, 3 मंथ, और डेटर का भी 3 मंथ था, 3/4 तो 5 × 15 डेढ़ लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो 37,500 क्या ये हो गया आपको टोटल। हाँ यूनिट पे ही निकला। अब होगा वर्किंग कैपिटल, ये होगा आपको 1-2 तो 1,90,625 में से लेस कीजिए 37,500 तो 52.5 1,00,000 कितना हो जाएगा 53,000 1,00,000 लेस कीजिए तो 1,90,625 और माइनस 37,500 1,53,125 ये हो गया। इसमें ऐड करनी है कॉन्टिजेंसी, ऐड देखिए कॉन्टिजेंसी का रेट कितना था, ऐड 10% फॉर कॉन्टिजेंसीज एट द रेट ऑफ 10% है, इसका 10% निकालेंगे 1,531.2555 होगा तो 5 को इग्नोर मैं कर दे रहा हूँ, 1,53 में इसको ऐड करेंगे कितना होगा 1,68,437 यहाँ पर 38 आया चूंकि पॉइंट के का तो उससे कोई फर्क नहीं है। ये होगा आपको वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट ये रहा क्वेश्चन। तो आप देखेंगे हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ, तो देखेंगे यही क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि किसी प्रकार का इश्यू नहीं होगी। आई होप कि चला गया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, यह है इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। कहता दी मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज कॉल्ड फॉर ए स्टेटमेंट शोइंग दी वर्किंग कैपिटल नीड्स टू फाइनेंस ए लेवल ऑफ एक्टिविटी 30,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट फॉर द ईयर, कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर द कंपनीज प्रोडक्शन फॉर द एबव मेंशन्स एक्टिविटी लेवल इज डिटेल्स बिलो, यानी कि कंपनी का प्रोडक्शन लेवल दिया हुआ 30,000 है और कॉस्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट है रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड दिया है 25 और 15 है, टोटल कॉस्ट हो गया प्रॉफिट सेलिंग प्राइस हो गया। फिर कहता है रॉ मटेरियल्स आर हेल्ड इन स्टॉक ऑन कहता है इन एवरेज फॉर 2 मंथ,
उसके बाद कहता है वर्क इन प्रोग्रेस 100% कंप्लीट इन रिगार्ड टू मटेरियल एंड 50% फॉर लेबर एंड ओवरहेड बिल अप्रॉक्सीमेटली टू बी हाफ ए मंथली प्रोडक्शन। यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बोल रखा है कि रॉ मटेरियल को 100% मानिए, लेबर ओवरहेड को 50% मानिए। फिनिश गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस ऑन एवरेज फॉर 1 month है। सप्लायर्स ऑफ मटेरियल्स गिव ए मंथ्स क्रेडिट। आप देखिए सप्लायर आ गया, सप्लायर का मतलब क्या होगा, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। द क्रेडिट डेटर में भी होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 month क्रेडिट इज अलाउड टू डेटर। देखिए क्रेडिट यहाँ पर लिखा हुआ ना, अलाउड टू डेटर, ये डेटर हो गया। कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स में बी मेड एट ए सेलिंग प्राइस। आपको बोला है सेलिंग प्राइस पे डेटर को लेना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन कर दिया है सेलिंग प्राइस लेंगे, सब जगह कॉस्ट पे लेते थे, क्वेश्चन बोला तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ए मिनिमम कैश बैलेंस 25,000 इज कट एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन। 30% ऑफ द प्रोडक्शन इज सोल्ड फॉर कैश, इट मे बी एज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कट कंटिन्यू इवनली थ्रू द ईयर, ठीक ना। आप जरा समझिए, पहले तो मैं फॉर्मेट बनाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 में, या सीधे लिखे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में है कैश बोला है 25,000 रुपये मेंटेन करना है, ठीक ना। इसको लिखेंगे कैश इन हैंड 25,000, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है लास्ट में, देखिए मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 25,000 इज कट एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन। यानी कि बोला है कैश को आपको मेंटेन करके रखना है मिनिमम 25,000। इसका मतलब ये हुआ कैश इन हैंड हो गया, समझ गए। उसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, ये 30,000 है प्रोडक्शन है, इसका कितना रॉ मटेरियल 20 है, और एवरेज देखिए कितना था रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक ऑन का एवरेज 2 month, यानी कि इनटू 2/12 कितना हो जाएगा, 3 × 6 lakh, तो 1 lakh हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 चूंकि हो जाएगा 6 lakh, 6 lakh को 6 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद स्टॉक ऑफ WIP यहाँ पे हो गया 30। आप देखेंगे स्टॉक ऑफ WIP का निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही आपको मेंशन कर रखा है क्या, तो वर्किंग नोट में आएंगे WIP कॉस्ट पर यूनिट। तो रॉ मटेरियल कितना था 20 था, ये 100% लेंगे क्या ऑफ 20 इज इक्वल टू 10 हो गया। लेबर का होगा 50% ऑफ, लेबर कितना था 5 था इज इक्वल टू 2.5। ओवरहेड है 50% ऑफ 15 7.5 तो कितना हो जाएगा 10 10 20, ठीक ना। तो 20 से मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 0.5 बाई
12, क्योंकि WIP में बोला है हाफ एन मंथ, देखिए लिखा हुआ है बिल अप्रॉक्सीमेटली टू बी हाफ ए मंथ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हाफ हो रहा है। ओ सॉरी, हाँ ये 120 होगा, सॉरी तो ये हो जाएगा 30 होगा ना, 30 हो गया। WIP में से होता भी है, क्वेश्चन में बोला भी है, देखिए ऊपर में ही लिख दिया ना, देखिए वर्क इन प्रोग्रेस 100% कंप्लीट इन रिगार्ड टू मटेरियल एंड 50% फॉर लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है ना। अगर नहीं बोलता तो किसी तरह बना सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो आप देखिए हाफ मंथ था, 3 × 9 लाख, 9 लाख को 24 से डिवाइड कीजिए, 9 लाख को 24, क्योंकि हाफ है ये तो डबल हो जाएगा, 12 × 24 क्या 37,500, ये हो गया। उसके बाद स्टॉक ऑफ FG, कॉस्ट कितना है टोटल, देखिए कॉस्ट दिया हुआ आपको 40 था, फिनिश गुड्स का कितना दिया हुआ था एवरेज देखिए, फिनिश गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस ऑन एवरेज फॉर 1 मंथ, ए मंथ है ना, तो 1 मंथ होगा, ए मंथ का होता है 1 मंथ, तो 4 × 12 लाख, तो 1 लाख हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3, 4, 5। उसके बाद देखिए डेटर, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ट्यूस है, देखिए पहले तो लिखिए 30,000 × डेटर में क्या बोला है आपको लेना है, किस पे डेटर को बोला है आपको लेना है, सेलिंग प्राइस पे लेना है, तब जरा समझना है कितना सेलिंग प्राइस 50 है, तो जरा समझिएगा 50। उसका एवरेज कितना था डेटर, कैलकुलेशन डेटर में भी 2 मंथ क्रेडिट इज अलाउड, तो पहले ये समझिए जरा, यहाँ देखिए एक चीज और देखिए, कहता है 30% ऑफ द प्रोडक्शन इज सोल्ड फॉर कैश, बात समझिए, डेटर जो होती है क्रेडिट के लिए ही होता है, जिससे उधार बेचते हैं वही डेटर होता है, बात समझिए जरा, इसका मतलब तो 100 में 30% हम क्या किए कैश के रूप में बेचे, 70% ही मेरा टोटल सेल का डेटर है, ठीक ना। तो यहाँ इसको 70% निकालना पड़ेगा इनटू 70 बाई पहले 100 कीजिए, चूँकि 30 कैश बेचे तो 70 होगा क्रेडिट, अब क्या होगा कितना मंथ था 2 मंथ ना, 2/12, समझ गए ना, यहाँ 2 ट्यूस था, पहली बात की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किए, अदरवाइज किससे करते टोटल कॉस्ट जो 40 है उसी से करते, ठीक है, इसलिए कि क्वेश्चन में ही बोल दिया कि डेटर कैलकुलेट मे बी सेलिंग प्राइस, ठीक ना, क्वेश्चन मेंशन किया, तो क्वेश्चन गॉड होता है, ईश्वर होता है, उसको बात को मानना पड़ता है क्या, और ईश्वर के बाद दूसरा रूप बच्चे लोग होते हैं, बच्चे भी भगवान के रूप होते हैं, और क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, जैसे में बच्चे को समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा मल्टीप्लाई करके, 5 × 3 = 15, 1,75,000, अब इसको टोटलिंग कर दीजिए, कितना हुआ 4,37,500, ये हो गया आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिटर एक ही आइटम है तो सीधे लेस कर देते हैं क्या, यहाँ टोटल लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो लेस क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितना होगा 30,000 × क्रेडिटर तो होता है रॉ मटेरियल से 20, एवरेज देखिए कितना था क्रेडिटर का,
क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर इज 3 मंथ, नहीं उसमें नहीं था, द मंथ क्रेडिट इज अलाउड टू डेटर सप्लायर ऑफ मटेरियल गिवन ए मंथ क्रेडिट, ए मंथ मतलब 1 मंथ, 1/12, तो 3 × 6 तो 50,000 हो जाएगा। इसको लेस करेंगे कितना होगा, 387,500 का ना, ये हो गया वर्किंग कैपिटल। अब लेस कर देंगे, ऐड करेंगे कॉन्टिजेंसी, कंटिजेंसी नहीं है क्या, नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे, तो ही मेरा वर्किंग कैपिटल हो गया। ठीक ना, उसके बाद 9 नंबर भी VBI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, 10 नंबर भी, तो आप लोग 9, 10 ये सब क्वेश्चन बनाएंगे, होमवर्क रहेगा। ठीक ना, उसके बाद फिर हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है।